हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है सब्जेक्ट कैन बी देन ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कुड बी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैन बी की जगह आप कुड बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैन और कुड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कैन प्रेजेंट होता है और कुड पास्ट होता है। बता दूं आप लोगों को कि कुड प्रेजेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पास्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के बारे में बात होती है तो कैन बी और कुड बी दोनों एक ही है। आप कैन बी की जगह कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड बी की जगह कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आप बोलेंगे सर पास्ट के लिए, तो फिर कैन बी का पास्ट टेंस होता है कैन हैव बीन, और कुड बी का पास्ट टेंस होता है कुड हैव बीन। मतलब कैन हैव बीन और कुड हैव बीन दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए, सब्जेक्ट कैन बी देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुड बी देन ऑब्जेक्ट। कैन बी की जगह कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड बी की जगह कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, कब हम कैन बी और कुड बी एज अ एडवांस वर्ब ऑफ टू बी इस्तेमाल कर सकते हैं? जब कर्ता कुछ हो सकता है या कर्ता कहीं हो सकता है। जैसे वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो खेत में हो सकता है, वो घर पर हो सकता है, वो टेंशन में हो सकता है, हम प्रॉब्लम में हो सकते हैं, वो फेमस हो सकता है, वो एक जादूगर हो सकता है, वो सरकारी अधिकारी हो सकता है, वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है। जैसे तुम टॉपर हो सकते हो, तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, वह स्मार्ट हो सकता है। तो जब कर्ता कुछ हो सकता है या कर्ता कहीं हो सकता है, तो उस स्थिति में हम कैन बी या कुड बी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप एक कैन बी का इस्तेमाल सीख लो, कुड बी अपने आप बना लेंगे। सबसे पहले कैन बी को देखते हैं। जैसे वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। राम टीचर हो सकता है, राम कैन बी अ टीचर। वह खेत में हो सकती है, शी कैन बी इन द फार्म। तुम प्रॉब्लम में हो सकते हो, यू कैन बी इन द प्रॉब्लम। मैं स्टेज पर हो सकता हूं, आई कैन बी ऑन द स्टेज। मोहन जंगल में हो सकता है, मोहन कैन बी इन जंगल। जंगल इंग्लिश वर्ड है ना, चाहे तो आप फॉरेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मोहन कैन बी इन जंगल। मेरे पापा बैंक में हो सकते हैं, माय फादर कैन बी इन द बैंक। जैसे वह बेरोजगार हो सकता है, ही कैन बी अनएम्प्लॉयड। बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयड, है ना। राम आलसी हो सकता है, राम कैन बी लेजी। मेरा भाई एनर्जेटिक हो सकता है, माय ब्रदर कैन बी एनर्जेटिक। तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो, यू कैन बी कॉन्फिडेंट। मोहन इंदौर में हो सकता है, मोहन कैन बी इन इंदौर। वे खंडवा में हो सकते हैं, दे कैन बी इन खंडवा। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप कैन बी की जगह कुड बी भी रख सकते हो। जैसे मैं डॉक्टर हो सकता हूं, आई कैन बी अ डॉक्टर या आई कुड बी अ डॉक्टर। राम टीचर हो सकता है, राम कैन बी अ टीचर या राम कुड बी अ टीचर। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पांच बनाना हो तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैं डॉक्टर हो सकता हूं, आई कैन बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हो सकता हूं, आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर हो सकता हूं, कैन आई बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों हो सकता हूं, व्हाई कैन आई बी अ डॉक्टर। कौन डॉक्टर हो सकता है, हु कैन बी अ डॉक्टर। जैसे तुम खेत में हो सकते हो, यू कैन बी इन द फार्म। तुम खेत में नहीं हो सकते हो, You cannot be in the farm। क्या तुम खेत में हो सकते हो, Can you be in the farm। तुम खेत में कैसे हो सकते हो या कब हो सकते हो, So when can you be in the farm। और कौन खेत में हो सकता है, So who can be in the farm। ऐसे हम बना सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह can be की जगह हम could be का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राम टीचर हो सकता है, राम could be a teacher। राम टीचर नहीं हो सकता है, राम could not be a teacher। क्या राम टीचर हो सकता है, Could राम be a teacher। राम टीचर कैसे हो सकता है, So how could राम be a teacher। कौन टीचर हो सकता है, Who could be a teacher। मतलब हम can की ही जगह, can be की जगह could be इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ही present के form में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, अगर इसको कुछ sentence में translate करके देखें तो शायद ज़्यादा आसान हो जाए। वह सरकारी अधिकारी हो सकता है, so वह सरकारी अधिकारी हो सकता है, मतलब he can be government officer, he can be government officer। मैं कुछ दिन बाद बीमार हो सकता हूं, I can be ill after some days, after some days। मैं कुछ दिन बाद बीमार हो सकता हूं, इल मतलब बीमार, I can be ill after some days। वे फेमस हो सकते हैं, so they can be famous, है ना। आगे देखिए, वह मेरा बिजनेस पार्टनर हो सकता है, so he can be my business partner, he can be my business partner। यह आसान हो सकता है, this can be easy, this can be easy, यह आसान हो सकता है। तो यहां हम लोगों ने क्या किया, can be इस्तेमाल। अब यहां पर हम could be करते हैं, वही सेंस में, हम असफल हो सकते हैं, so we could असफल, unsuccessful है ना, ऐसा लिख लो, we could be unsuccessful, हम असफल हो सकते हैं, so we could be unsuccessful। वह मंदिर का पुजारी हो सकता है, so he could be पुजारी, worshipper of the temple, of the temple। वह मंदिर का पुजारी हो सकता है। रिया कॉलेज में हो सकती है, so रिया could be in the college।
रिया कॉलेज में हो सकती है, रिया कुड बी इन द कॉलेज. सलोनी टेंशन में हो सकती है, सो सलोनी कुड बी इन द टेंशन. सलोनी टेंशन में हो सकती है, सलोनी कुड बी इन द टेंशन. वो राम के जूते हो सकते हैं, तो दोस कुड बी राम्स शूज. सो दोस कुड बी राम्स शूज. वो राम के जूते हो सकते हैं. यहां पर हो नहीं आएगा, हे आएगा, है ना. राम के जूते हो सकते हैं दोस्तों. इसी तरह यहां पर आप देखेंगे तो कैन बी की जगह, मैं अभी कैन बी समझा देता, वैसे ही आप कुड बी को समझ में आ जाएगा. कैन बी के जैसे स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस्तेमाल किए, वहां हम देयर भी लगा सकते हैं. देयर कैन बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह देयर लगा दिया. जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, देयर कैन बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना. क्लास में शांति हो सकती है, शांति में साइलेंस, देयर कैन बी साइलेंस इन द क्लास, है ना. भारत में पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, देयर कैन बी एजुकेटेड पीपल इन इंडिया. भारत में लोगों के बीच भाईचारा हो सकता है, सो देयर कैन बी ब्रदरहुड इन इंडिया अमंग पीपल, लोगों के बीच, या देयर शुड देयर कैन बी ब्रदरहुड अमंग पीपल इन इंडिया. जैसे भारत में बहुत रोजगार हो सकता है, देयर कैन बी मोर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बहुत या टू मच एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. बॉटल में पानी हो सकता है, देयर कैन बी वॉटर इन द बॉटल. आप बना सकते हैं, पांचों भी बना सकते हैं. जैसे बॉटल में पानी हो सकता है, देयर कैन बी वॉटर इन द बॉटल. बॉटल में पानी नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी वॉटर इन द बॉटल. क्या बॉटल में पानी हो सकता है, कैन देयर बी वॉटर इन द बॉटल. बॉटल में पानी क्यों हो सकता है, सो व्हाई कैन देयर वॉटर बी इन द बॉटल. वॉटर बी वॉटर सॉरी व्हाई कैन देयर बी वॉटर इन द बॉटल. जैसे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, देयर कैन बी मैनी पॉजिटिव थॉट्स इन द माइंड. दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स नहीं हो सकते हैं, देयर कैन नॉट बी पॉजिटिव थॉट्स इन द माइंड. क्या दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, कैन देयर बी पॉजिटिव थॉट्स इन द माइंड. दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स कैसे हो सकते हैं, व्हाई कैन देयर बी पॉजिटिव. सो हाउ कैन देयर बी पॉजिटिव थॉट्स इन द माइंड. इस तरह हम देयर की सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. कुछ थोड़ा सा रिटन में देखते हैं. बॉटल में पानी हो सकता है, सो हम बना सकते हैं, देयर कैन बी वॉटर इन द बॉटल. देयर कैन बी वॉटर इन द बॉटल. मेरे अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, सो देयर कैन बी मनी इन माय अकाउंट. आगे देखिएगा, कॉलेज में 1500 विद्यार्थी हो सकते हैं, सो देयर कैन बी 1500 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. अमेरिका में भ्रष्टाचार हो सकता है, सो देयर कैन बी करप्शन अमेरिका में, इन अमेरिका. So there can be corruption in America. पार्टी के सदस्यों के बीच विवाद हो सकता है, विवाद मतलब डिस्प्यूट. So there can be dispute among the members of the party. मतलब पार्टी के सदस्यों के बीच विवाद हो सकता है, विवाद मतलब डिस्प्यूट. सो देयर कैन बी डिस्प्यूट अमंग द मेंबर ऑफ द पार्टी. गाइज यही जो कैन बी है ना, इसकी जगह आप कुड बी का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. देयर कुड बी वॉटर इन द बॉटल, देयर कुड बी मनी इन माई अकाउंट, देयर कुड बी 1500 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, देयर कुड बी करप्शन इन अमेरिका, देयर कुड बी डिस्प्यूट अमंग द मेंबर ऑफ द पार्टी. सो दोस्तों ये जो कुड बी है वो भी प्रेजेंट के सेंस में इस्तेमाल होता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुड बी पास्ट में इस्तेमाल नहीं होगा, कुड बी पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है इसी सेंस के साथ, लेकिन वो सेंस इंग्लिश लैंग्वेज में कम है, क्योंकि कुड बी जहां पर भी एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के सेंस में आ रहे हैं वहां पर मैक्सिमम वो प्रेजेंट इस्तेमाल हुए, इसलिए उसको मैंने प्रेजेंट ही यूज बताया है. तो आप कैन बी की जगह कुड बी भी प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कैन बी और कुड बी जो एडवांस वर्ब ऑफ टू बी होते हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. अगर किसी भी तरह का और कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उन कमेंट का सॉल्यूशन मैं आने वाले वीडियोस में जरूर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.